इसकी वजह मैं ये समझता हूं कि आज आपने बड़ा सूझबूझ वाला निर्णय लेके आज की अध्यक्षा हमारी लाडली बिटिया अर्चना सिंह गौतम को चुना, मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि, अब अतिथि मत लिखा करो, अतिथि तो वो होता है जो तिथि बगैर बताया आज हम होता, तो इनकी तो तिथि तय है। मैं सर आपको भी नमो बुद्धा जय भीम करता हूं। हमारे अनन्य साथी वाकई 45 साल से हमारे साथ रहे उमेश सिंह गौतम जी, जो सपा सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे लाडले नौनिहार राक्षस जी सूरज पाल राक्षस जी, मैं इनके भी आज की इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। और दीदी निर्देश सिंह किधर बैठी हैं, निकल गई, चलो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद उन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे जुझारू कार्यकर्ता जो दिन रात अपनी ईमानदाराना कोशिशों से समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर हरबेंद्र जी, त्रिलोक राज जी, एडवोकेट हर्ष उदय चंद्रा जी, एडवोकेट पवन नीम जी, एडवोकेट श्रीपाल सागर जी। श्रीपाल सागर जी कौन से हैं, वो भी गए क्या? वाह वाह, हाथ मिला लो ना। तो उसके अलावा मनोज कुमार जी, डॉक्टर पुष्पराज जी, अतर सिंह निर्मल जी, मेरे इस कार्यकारिणी में जो डॉक्टर प्रदीप कुमार एडवोकेट हैं, संयोजक ओम प्रकाश सागर हैं, और सह संयोजक शिव कुमार बौद्ध हैं, और जो सह संयोजक राहुल सिंह राव हैं, मैं इनके काम को देखकर गदगद हूं और ये घोषित करता हूं कि आज का ये बौद्ध सम्मेलन ना केवल जानदार है बल्कि शानदार भी है। आपकी जो ये संस्था है, प्रथम बौद्ध महासम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विहार समिति नरोड़ा की ओर से आयोजित है। नरोड़ा का नाम जब से पूज्य भक्ति प्रगर अश्वी जी यहाँ आए हैं इस स्थान पर, सारे भारतवर्ष में फैला। आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से ठीक 3 महीने पहले वैशाली में एक बुद्ध विहार है, तरनंदन बुद्ध विहार, उसमें ये पूर्व घोषणा की थी कि अब से 3 महापश्चात तथागत का, वो स्वयं ये नहीं कहते थे मैं, वो तथागत कहते थे, तथागत उनकी डिग्री थी, तथागत का आयु संस्कार पूर्ण होगा, यानी कि उनका निधन होगा बौद्ध जगत में। इसलिए आज की जो माघी पूर्णिमा है उसका बहुत अधिक महत्व है, ये आपको हमारे कई मित्रों ने बताया। इसके अतिरिक्त आज के दिन की एक विशेषता ये है कि इस देश के कमेरे समाज में, वंचित समाज में, शोषित समाज में, जिसे अब हम मूल निवासी या बहुजन समाज कहते हैं, उसमें एक अनोखे रत्न पैदा हुए जिनको आज हम गुरु रैदास के नाम से जानते हैं। गुरु रैदास का जन्म जो बनारस में हुआ था वो अपने जमाने के अनहोनी घटना थी। हमारे अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की षड्यंत्रपूर्ण और निर्मम हत्या के बाद जो हमारे ऊपर जितना भी दमन चक्र चला, इस देश के सबसे गौरवशाली, इस देश के सबसे महान, इस देश के सबसे विस्तृत शासन मौर्य शासन का अंत जिन बेईमानों ने किया, वो ना केवल उनका अंत किया बल्कि कई शताब्दियों तक उनको भुलवाने का काम किया, उनको तोड़ने का काम, उनको विभाजित करने का काम, उनको आपस में लड़ाने का काम किया। यही कारण है कि सम्राट अशोक का शासन संसार के सबसे बड़े इतिहास के साथ याद इसलिए किया जाता है कि इस भारतवर्ष की सीमाएं अगर किसी के समय में सबसे अधिक विशाल थी तो किसी और के शासन काल में नहीं, मेरे लाडले सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जमाने में थी। उनकी सीमाएं ईरान इराक से आरंभ होती थी,
उनकी देश की सीमाएं इस जम्बूद्वीप नामक देश की सीमाएं थाईलैंड की सीमा से टकराती थी। उधर रूस के ताशकंद से आरंभ होती थी और दक्षिण भारत की कन्याकुमारी पे जाकर के समाप्त होती थी वो, और गुजरात से आरंभ होती थी और ये सब सेवन सिस्टर की स्टेट तक जाकर फैली हुई थी। ये मेरे सम्राट का सबसे गौरवशाली इतिहास था जिसको धम्मत्वे से मेरे धम्म के दुश्मनों ने इस क्रांति को अपनी प्रतिक्रांति के माध्यम से समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं कि मौर्य सम्राट विलासी थे, अय्याश थे, कायर थे। हम कहते हैं अगर ऐसा है तो आप एक हमलावर का नाम बताओ जो मौर्य काल में आया हो। नहीं आया। ये अपने सारी नाकामियां छिपाने के लिए इस तरह का झूठ बोलते हैं। सर्वविजेता को शासन था तो हमारे मौर्यों का शासन था। और भैया एक बात याद रखना, अपने पल्लू में गांठ बांध लो। आज इस देश में जितनी भी अछूत जातियां हैं, आज इस देश में जितनी भी आदिवासी जातियां हैं जो ट्राइब्स हैं, और इस देश की जितनी भी ओबीसी हैं और पिछड़ा वर्ग है, थोड़ा भेद है, ये सारे के सारे पुराने शाक्य हैं, मौर्य हैं, कुशवा हैं। इनको मार मार के इनको जातियों में बांट दिया। और जब ये जातियों में बट गए, अपना इतिहास भूल गए, अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए, तो ऐसे समय में संत रैदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। और जब संत रैदास का जन्म हुआ तो जो नौ नाथ और 84 सिद्ध बौद्धों में हुए थे, उनकी शिक्षाओं का प्रभाव उनके संसार में ना रहने के बाद भी चला आ रहा था। कैसे चला आ रहा था? जिन बहनों के घर में घी की चटकी है, हलिया है, जब हम उसमें घी रखना छोड़ भी देते हैं और सालों बाद उसे सूंघते हैं तो क्लियर घी की सुगंध आती है। बिल्कुल ऐसे ही कई शताब्दियों पहले नौनाथ 84 सिद्ध और उनकी परंपरा का बेशक नाश कर दिया, मगर ये जो एक जिसको ये बेईमान लोग, झूठे लोग भक्तिकाल कहते हैं, मैं उसे मुक्तिकाल कहता हूं, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी इस मानवता की मुक्ति का मार्ग निकला था। तो इसलिए उस मुक्तिकाल में रैदास, नानक, कबीर, दादू, दरिया साहब जैसे अनेक संत आए और उन्होंने इस देश के शासकों को ललकारने का काम किया। उनकी ललकार सफल हुई, उन्होंने कुछ साहित्य लिखा। उस साहित्य को खास तौर से मेरे बाप संत रैदास के साहित्य को समाप्त कर दिया। आज हम बहुत धन्यवादी हैं उन मुसलमान राजाओं के, जो मुसलमान हुक्मरान थे, जिन्होंने संत रैदास की वाणी को सुरक्षित रखा। और हम एहसान मंद हैं उन सिख धर्मानुयायियों के, गुरुओं के, जिन्होंने मेरे बाप संत रैदास के 40 शब्दों को, 40 दोहों को अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में सुरक्षित रखा। अगर ये पवित्र ग्रंथ ना लिखा जाता तो आज रविदास का नाम तक हमको नहीं मिल पाता। और अगर दिल्ली में, क्योंकि यहाँ रविदास का नाम आया, उससे पहले दिल्ली में आया, पंजाब से पहले भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से रविदास जी का नाम दिल्ली में आया। दिल्ली वालों से बाबा साहब ने पूछा था, तुम बताओ हमने ये दिल्ली का जो इतिहास है कुछ अंश हुए प्रसंग उसमें लिखा है। बाबा साहब ने दिल्ली वालों से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा आराध्य कौन है, तुम किसकी पूजा करते हो? तो उन्होंने बड़े अजीब अजीब सवाल दिए, जवाब दिए। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, किसी ने कहा जी शिवजी जी हमारे लगे। चले शिवजी तो ठीक है, शिवजी जी का क्या मतलब है? किसी ने कहा जी हमें तो हनुमान जी हमारे लगे, उसका रंग रूप ऐसा है हमारे मंदारियों की तरह रह गए। चलो और बताओ, नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा कि तुमने रैदास का नाम सुना, असली नाम उनका रैदास, रविदास तो संस्कृत वालों ने बनाया। तुमने क्या रैदास का नाम सुना? कहना नहीं बाबा, हम तो नहीं जानते। कहना जाओ चांदी चौक के गुरुद्वारा शीशगंज में, और वहां पर जो सिखों की बड़ी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उनसे पूछना, उसमें संत रैदास के 40 शब्द लिखे हुए हैं। जब वो लोग वहां गए
कुछ पंजाबियों के माध्यम से जो नौकरी करने के दिल्ली में रहते थे, तो उनको पता चला कि कोई हमारा गौरव पुरखा हमसे ही अनजान है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आप पर हमारी जान कुर्बान है कि आपके कारण हमारा खोया हुआ पुरखा हमें मिल गया। ये बड़ी युगांतकारी घटना थी। आज स्थिति बड़ी भयंकर है। भयंकर क्या है? आज इस देश के शासक लोग औलादों के माध्यम से उनके माँ बाप को जूते लगवा रहे हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास खतरे में हैं। इनकी पहचान इनके मानने वाले अनारी शिष्यों के कारण इनका गौरव खतरे में है। कारण यह है कि मनुस्मृति में साफ लिखा है। क्या लिखा है कि शूद्र साधु संतों को गैरवा वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं, ये लिखा है। और हमारे महान संत गुरु शिरोमणि गुरु रैदास के शिष्य क्या करते हैं, अपने गुरु का जब चित्र बनाते हैं तो उनको रंग बिरंगे कपड़ों में बनाते हैं। देखना कितनी सारी पोस्ट आज आई हुई है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, किसी में नीला पटका है तो किसी में ऑरेंज पटका है तो किसी में जामुनी किसी में बैंगनी। क्या है ये तमाशा? ये लोग जो अपने आप को गुरु साहब का शिष्य कहते हैं, वास्तव में वो मनुस्मृति के आदेश को लागू कर रहे हैं। आओ हम एक संकल्प लें, अपने घर में अपने संत का अपने महापुरुष का चित्र लगाएंगे तो उसे काषाय वस्त्र में लगाएंगे, उसे काषाय वस्त्र वाला हम चित्र लगाएंगे। सम्यक प्रकाशन ने जितने भी चित्र उनके बनाए हैं वो सारे के सारे काषाय वस्त्र में हैं। आज साथ एक बात याद रखना, महापुरुष आते हैं और चले जाते हैं, जीवित कौन रहते हैं? जिनके शिष्य योग्य होते हैं, जिनके अनुयायी योग्य होते हैं। हमारे रैदास आपको योग्य शिष्य नहीं मिले, जो उनको शिष्य मिले उनकी विरासत को खराब करने वाले मिले। उन्होंने पहले क्या किया, जिस जाति से संबंध रखते थे उसकी समकक्ष दूसरी जातियों में उनकी जाति को यानी कि चमार जाति को खूब बदनाम किया, जैसे आज भी करते हैं ना। जो नॉन चमार लोग हैं उनमें ये तरह 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 की सफेद टोपी जो रखते हैं अलग अलग रंग की, उनसे जाके कहते हैं अबे तुम्हारा सारा हक तो ये मार गए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला और फिर भी आप पढ़ रहे हैं। तो ये काम आज भी संत साहब के समय में भी हुआ था, संत रैदास के समय में भी हुआ था। अब कोई कैमरा तो था नहीं, किसी ने हमारे रैदास जी का फोटो खींचा हो, तो मेरे जैसे चित्रकारों का कमाल है, जैसे चित्र बनाते हैं बन जाते हैं, जैसे बनवाते हैं वैसे बना दिए जाते हैं। तो उन्होंने एक चित्र बनाया, क्या जूती काट रहे हैं, चमड़ा काट रहे हैं, जूती बना रहे हैं। इसका मतलब समझो वो इसलिए कि जो लोग इसकी जाति के नहीं है कहीं गलती से इसके शिष्य ना बन जाए और जिस धंधे को पहले बदनाम किया हुआ है उसका स्मरण करके भाग जाए। ये हमारे महापुरुषों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। रैदास के साथ ऐसा हुआ और कबीर साहब के साथ क्या हुआ कि वो तंतु आय तान के खट्टी तान के कपड़ा बन रहे हैं, मगर तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी सर पे बोधी बांध के लिखने पढ़ने में लगे हैं। ये षड्यंत्र समझना होगा। अपने महापुरुषों को पुराने कामों के साथ दिखाने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारे संत साहब के साथ उनके विशाल सिद्धांतों की अनदेखी करता है। आज समाज को जगाने का दायित्व तो बहुत अधिक है। ये जो हमारा संगठन है इन्होंने आज ये कार्यक्रम सुंदर सा कार्यक्रम दिया, समता सैनिक दल है, भीम ज्ञान चर्चा है, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया है, इनका ये आज के समय में दायित्व बनता है कि बेशक भाषणबाजी के कार्यक्रम हो या ना हो मगर अपने समाज के घर जा जाकर वो सारा इतिहास हमें बताना है जिसकी वजह से हमारा पुराना गौरव वापस आ सके। ये काम सारे संगठन अपने अपने दम पर करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात गुरु रैदास के बारे में शायद कम लोग जानते हैं, पंजाब में एक भाषा है जिसे पंजाबी कहते हैं,
उसकी जो लुपी है उसे गुरुमुखी कहते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन है कि उस लिपि का आविष्कार, उस भाषा का आविष्कार किसने किया? संत शिरोमणि गुरु रविदास ने किया। ये लिखित तथ्य बता रहा, कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। तो वो जमाना ऐसा था जब कहते हैं नानक दास कबीरा तीन रूप और एक शरीरा, यानी कि तीन है देखने में मगर ये एक है। कारण क्या है? उनके जीवन का लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है मानव कल्याण। ब्राह्मण से क्या झगड़ा है? ब्राह्मण कहता है ओनली एंड ओनली ब्राह्मण हिता है, ब्राह्मण सुखाए। हमारे संतों ने कहा, बुद्ध ने कहा, मानव कांशी राम ने कहा। अब बहन जी कहती है कि हम समतावादी हैं, हमारा तो एक ही नारा है, वो क्या है? बहुजन हिताए बहुजन सुखाए। तो ये जो तीन संत थे, तीन रूप और एक सगीरा, इन्होंने कहा हमें ब्राह्मण स्वीकार नहीं, हमें ब्राह्मणवाद स्वीकार नहीं, हम इनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इनकी लिपि का बहिष्कार करेंगे, हम इनको अपने घर में बुला के ना इनको सम्मान देंगे, ना जेल से निकाल के अपने कमाया हुआ दान देंगे। ये उन्होंने जब संकल्प लिया तो उन्होंने ठान ली, लंगोटा बांध कर कसकर बैठ गए। गुरु रैदास जी ने गुरुमुखी लिपि और भाषा का आविष्कार किया और गुरु नानक ने क्या किया? गुरु नानक ने एक संकल्प खड़ा किया, उसमें पांच प्यारे बनाए। पांच प्यारे क्यों बनाए? क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी पांच ही परिवराजक सबसे पहले शिष्य बनाए थे और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने इस संगत में, जिसको हम संघ कहते हैं, वो संगत कहते हैं, उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा। आज तक उनकी संगत में कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ये कोई कम छोटे काम नहीं है, बहुत महान कार्य है जो उन्होंने करके दिखाए थे। आज हमें अपने पुरखों की उनकी जयंती है और उनके बारे में मैं कुछ ना कहूं तो ये ठीक नहीं है। आज हमारा मन टूक टूक है, हमारा मन रो रहा है। कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्याएं हो गई। हम सब उनके प्रति सम्मान के साथ अपना सर झुकाते हैं, मगर एक बात सदन में नहीं आती कि वो जितने भी सैनिक मरे हैं सारे के सारे दलित और पिछड़े हैं, एक भी उसमें सवर्ण नहीं। ये अजीब इत्तफाक है, ये हमारी सदन में नहीं आता। तो आप प्लीज एडवोकेट कहां गए बाद में, यार तीन मिनट का मौन हम 3 मिनट का करते हैं, त्रिशरण का प्रत्येक, उनके सम्मान में 3 मिनट का मौन जरूर कराना। तो ये जो आज का जमाना है भैया, हम ब्राह्मणवाद को खत्म करने निकले हैं ना भैया, कलाकारों और कार्यकर्ताओं सुन लो, हमें इस गंदा कपड़ा जो ब्राह्मणवाद का है इसको धोना है। तो कीचड़ से नहीं धो सकते, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, वो पवित्र शुद्ध साफ दल से धोया जाता है। तो इसलिए जो ब्राह्मणी भाषा के शब्द हैं उन्हें अपनी जबान पर कभी मत लाना। अरे महात्मा वो जो आत्मा में विश्वास करे, बुद्ध को महात्मा कहना गलत है, तो अपने बाप ज्योति बाप फूले को भी महात्मा कहना अपराध है। उन्हें कहना है तो महामना कहिए। महामना का मतलब जिसका मन बड़ा है, जिसका हृदय उदार है, जो समतावादी है, जो किसी को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगता है, जो किसी पर अन्याय अत्याचार देखकर खुद भी पिघल जाता है, ऐसे व्यक्ति को महामना कहते हैं। जिसका मन बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका चिंतन विशाल हो। तो इसलिए आज से अपने महापुरुषों के लिए महात्मा शब्द का बहिष्कार घोषित किया जाए। हम अपने महापुरुषों को अच्छे अच्छे शब्दों से पुकारें। ब्राह्मणों से उधार लेके हमें अपना काम अब नहीं चलाना। अब हम बहुत संपन्न हो गए हैं, जो सम्यक प्रकाशन है, लोग समझते हैं कि ये किताब क्यों छाप रहा है। ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं धंधेबाजी कर रहा है। अब जब तुम्हें पता चल गया बहुत अच्छा धंधा तो करो भाई, मगर अनाड़ी है, अनजान है, अपने आंदोलन से परिचित नहीं है। एक बात सुन लो, हम हथियार उठाने की वकालत नहीं करते। हथियार उठाने का विरोध सबसे पहले बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने कहा युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। ये बुद्ध के समय की आवाज थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया
उस पर उन्होंने हथियार उठाने को राष्ट्रद्रोह का मामला बताया। हम हथियार उठा नहीं सकते, हम तलवार उठा नहीं सकते, बंदूक उठा नहीं सकते। इस चीज की इजाजत ना बुद्ध देते हैं ना हमारा संविधान देता है। मगर भैया जब विचारों का युद्ध चल रहा हो, जब इस देश में विचारों का युद्ध चल रहा हो, तो किताब से ज्यादा हथियार कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, अपने संतों के विचार को किताब के रूप में जो हम छापते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अहिंसक हथियार है। इसलिए याद रखो, अपने समाज को अगर जितना जल्दी जगाना चाहते हो, उतना जल्दी उनके बीच में किताब पहुंचाना सिखाओ। एक जो कलाकार हमारे बीच में उभर के आए हैं, जो गा गा कर कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जो काम करते हैं, मेरे कई बहुत विद्वान उसका विरोध करते हैं। विरोध मत करो, विरोध का जमाना लग गया, अब करना है तो समर्थन करो। कौन नहीं जानता, जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अब निधन प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो उनकी शव यात्रा जब मुकुट वंदन जा रही थी, उसके साथ में महाकाश्यप भी थे, आनंद भी थे, अनुरुद्ध भी थे, बड़े बड़े भिक्षु थे, सारे पुत्र की अमोघलाल की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो ये सब याद रखो, जितने पावा नगरी के रहने वाले थे ना, वो सब गा बजाकर भगवान बुद्ध की अर्थी का स्वागत कर रहे थे। अरे जब बड़े बड़े माथेराओं की उपस्थिति में बुद्ध के सम्मान में गायन हो सकता है, संगीत बज सकता है, तो आज विरोध करने का मतलब या तो हम अपना इतिहास नहीं जानते या कलाकारों की आलोचनाओं को बहाना ढूंढते हैं। इसलिए कलाकारों, आपकी जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। यहाँ भाई गौतम जी बैठे हैं, अपना टीवी चैनल लेके आए हैं, और भी बच्चियां हैं, भाई मिलंदर भी आए हैं, और जितने भी हैं भैया, अब देख एक बात याद रखना, अब हम जगह जगह जाकर ये कह रहे हैं, इन दुश्मनों के अखबार खरीदना और उन्हें पढ़ना बंद करो। ये अखबार हमारे घर में जहर परोस रहे हैं, हमारी पीढ़ियों का ब्राह्मणीकरण हो रहा है। तो अखबार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से हो रहा है। जब हम अखबार को ठोकर मारने का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे टीवी चैनल, हमारे पत्र पत्रिकाएं इस स्तर की हो कि हम जो अखबारों में मिलता है उसका जवाब दे सके। पाठक को सब प्रकार का सामग्री चाहिए, पाठक को इतिहास भी चाहिए, पाठक को विज्ञान भी चाहिए, पाठक को भाषा भी चाहिए, पाठक को आर्कियोलॉजी भी चाहिए। ये सब चीजें हमारे चैनलों के और पत्र पत्रिकाओं की कार्य सूची में होनी चाहिए। मैं भैया बड़ा समझदार हूँ, कैसे मैं जानता हूँ कि सारे के सारे थक चुके हैं, और मैं भी जितना बख्श सकता था बख्श चुका हूँ। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए इजाजत लेता हूँ और अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। और जिन्होंने मुझे यहाँ छोटे से अदने से कार्यकर्ता को बुलाकर एक सम्मानित स्थान दिया, मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अपना कर्तव्य ऐसे निभाते रहना किसी लालच में नहीं, किसी सम्मान या पद या अवार्ड के लालच में नहीं। बाबा साहब का कर्ज को उतार नहीं सकते, अपनी हड्डियों की माला बना के बाबा साहब के चरणों में चढ़ा दे तो उनका एहसास नहीं कर सकता। हाँ, उनके प्रति हम मरते दम तक ईमानदार रहेंगे, ये हम जरूर कर सकते हैं, और हम सबको ये करना होगा। आप बता दो, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे, एक भी हाथ नहीं उठा, थोड़े से उठे हैं। ईमानदारी से करोगे तो दोनों हाथ उठाओ, जैसे मेरी बहन यही उठा रहे, वो मेरी घरवाली को छोड़कर मेरी बहन और मेरी बिटिया। मैं तो ये जो कनेरी अकबर वास साहब, यहाँ हमारी सास यही की थी, हमारे जो पत्नी है इसकी माँ यही की थी, इसलिए वहां उनका भी तगादा है। तो आप सबको जय भीम कह दूं, जय भीम कह दूं, कैसे कहूं? वो अपने अंदाज में कहेंगे। अब ये बता दो भैया, जो थक गए हो बाहर चले जाएं, और जो यहाँ बैठा रहेगा मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। जोर जोर से बोलो, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्ष के आदि हैं। जवाब देना, संघर्ष के आदि हैं। हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं,
संघर्षों के आदि हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। भैया ऐसा लग रहा चले ये तुम पे वादी है। अरे श्री पुत्रो भीम पुत्रो भीम पुत्र आपकी आवाज से पता चलना चाहिए। अरे मैं तो तुमसे दुगनी दुगनी उम्र का हूँ, जब मेरी इतनी आवाज निकल रही है। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। सीधे फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं।